गाइस, आज हम लोग बहुत घर से बहुत दूर आए हैं बधार में कट्टा लाने के लिए। कान छेदवाना है, ऊपर करना, बहुत दूर आए हैं। देहात में कट्टा से कान छेद आता है, इसीलिए बहुत दूर आए हैं। घर लोग भी नहीं रहा, इतना दूर घर है, एकदम महरा है। इधर खाली खेत है, दिखाते हैं भीड़ जाके कट्टा। देखिए बधार में लील गाय है, रोक रहा है। देखिए गाय, देखिए कैसे लील गाय है। देखिए डर भी लग रहा है, बधार में अकेले हैं, इन्हें क्या के मारने लगे। हम लोग अब पहुंचने वाले हैं कट्टा भी, और इधर से ताक रहा है, इन्हें क्या के सींग उठा के मारने लगे। देखिए कैसे ताक रहा है, एकदम एकदम लग रहा है कि अब मारेगा, डर लग रहा है। अब बधार में एकदम सुनसान जगह लग रहा है, एक तो भूता पेड़ है, नौला, डर लग तो। देखिए कैसे ताक रहा है, एकदम देखिए कैसे ताक रहा है। इधर उधर कोई नहीं है, अभी कोई नहीं, खाली हम भाई और बहन दोनों आ गए हैं। अब जंगल फ्रेंड फ्रेंड, देखिए कितना जंगल है, एकदम पेड़ पेड़ है एकदम। मेरा भाई तो बिना चप्पल के है, देखिए वो तो बिना चप्पल का है, खाली कट्टा है, खाली कट्टा, खाली जंगल एरिया है। बस हम दो खाली हैं, हम और मेरा भाई, दोनों है जंगल में, कोई नहीं है जंगल में, खाली एकदम। यही पेड़ है, वो पीपल वाला पेड़ जो बचपन में आके हम बैठते थे, यही पीपल के पेड़। काट जल्दी, काट रहे हैं, काट रहे हैं। कौन सा काटे, यहाँ जाओ, ये वाला भी यहाँ, तू जहाँ खड़ा है ना वहाँ वहीं रहो, ठीक ना, कहीं खाली काटा है। देखिए इसी काटा से अच्छा से दिख नहीं रहा है, कैमरा नहीं ना है, मोबाइल ना है, इसीलिए इसी काटा से आज मेरा कान छेदाएगा और मेरा भाभी का कान छेदाएगा, दोनों को आज ही कान छेदाएगा इसी से। डर लग रहा है, काटा देख के ही छेदाएगा कैसे, तब भी शौक। नवल अच्छा नहीं मिल रहा है काटा एक ढो। मेरा भाई डराने लगा, बोल रहा है कि ये दीदी मारते ही ना हम मारवे करते, तब हम क्या करें, बचाएंगे, हम जान दे के बचाएंगे। बचपन में गाइस ये वाला जो है ना, ये वाला इसको से आलता समझ के ये वाला से हाथ गोड़ पैर की आलता है, इसको से ओठ है सब रंगते थे हम लोग। बचपन का कुछ ऐसा याद है, आज बहुत दिन बाद ही जंगल में आ रहे हैं, जो ये हाथों में पूरा एकदम कटा कटा कर गई, पूरा एकदम कटा कटा हो गया, डर भी लग रहा है काटा काटने में, काट लिए अब जा रहे घर, इसको ऐसे काट लिए। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, अब जा रहे हैं घर, अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, कान छेदवा उदवा कर।